दोस्तों, आज से मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीमा सड़क संगठन 2019 फेज वन कुक पद के लिखित परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का सीरीज लेकर आया हूँ। आप मेरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। मैं अपने हर वीडियो में एक से दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर के साथ बताऊंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का प्रश्न है कि अंडा करी बनाने की विधि बताएं सामग्री के साथ। तो चलिए, अब इसका आंसर कैसे लिखना है आप देखिए। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को स्किप मत करें, पूरे वीडियो को देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए कि कैसे जो है हमें आंसर पेपर पर इसे लिखना है। एक करी की सामग्री, चार अंडे उबले हुए, दो टेबल स्पून तेल, 12 से 14 कढ़ी पत्ता, एक टीस्पून सरसों के दाने, दो टुकड़ों में कटी हुई प्याज, एक छिला हुआ अदरक और एक चौथाई जो है टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा जो है चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा किलो टमाटर कटे हुए, आधा चम्मच चीनी, दो चम्मच हरा धनिया, एक चम्मच तेल, दो चम्मच उड़द दाल। इतने सामग्री जो है अंडा करी बनाने के लिए चाहिए। अब हम अंडा करी बनाने की विधि लिखेंगे। अंडों को उबाल ले और उनको छीलकर एक तरफ रख दे। एक पैन में तेल गरम करें, इसमें कढ़ी पत्ता और सरसों के दाने डालें और उन्हें चटकने दें। अब इसमें प्याज और अदरक डालें। अब प्याज को मुलायम होने दें और मध्यम आंच पर 5 मिनट तक पकने दें। हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से चलाएं। इसमें टमाटर, चीनी और नमक डालकर 15 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएं। फाइनली इसमें हरा धनिया और अंडे डालें। इसके बाद हम लिखेंगे तड़का बनाने के लिए विधि। गर्म तेल में एक बड़ा चम्मच उड़द दाल डालें और उसे तब तक फ्राई करें जब तक वह क्रिस्पी न हो जाए। अब इस तड़के को कढ़ी पर फैलाएं। दोस्तों, इतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, आपको जो है पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।